डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने अपने जयपुर स्थित सिविल लाइंस आवास पर जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से नागरिकता संशोधन बिल पर बातचीत की। पायलट ने कहा कि इस बिल को लाने के पीछे कहीं ना कहीं राजनीति है। संविधान में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि धर्म के आधार पर भेदभाव हो। पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार राजनीतिक कारणों से ये बिल लाई है और इस बिल का कांग्रेस ने सैद्धांतिक तौर पर विरोध किया है। पायलट ने कहा कि कुछ दल इस बिल के समर्थन में है तो कुछ दलों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सैद्धांतिक तौर पर इस बिल को खुले तौर पर विरोध प्रकट किया है। जिस तरह बिल को प्रस्तुत किया गया, जो कल लंबी चर्चा लोकसभा में हुई, उससे सब स्पष्ट हो गया है कि इस बिल को लाने के पीछे कहीं ना कहीं कुछ राजनीति है। और संविधान में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि धर्म के आधार पर भेदभाव हो। और जो संविधान का आर्टिकल 14 है, उसकी भी कहीं ना कहीं समीक्षा की जाएगी। और कल एक सांसद ने बोला है लोकसभा में कि सुप्रीम कोर्ट की स्क्रूटनी में शायद ये बिल पास नहीं कर पाए। तो बहुत सारे पहलू पर अभी चर्चा करना बाकी है।